नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक के पुत्र पंकज शर्मा ने टिकट के लिए आवेदन किया है। रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा पर राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। 7 बार कांग्रेस विधायक रह चुका हूं, ये कह रहे हैं सत्यनारायण शर्मा। तो ये तस्वीर साफ हुई है, सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस की जो वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है विधायक के पुत्र पंकज शर्मा ने टिकट के लिए आवेदन किया है, टिकट मांगा है पार्टी से। और हालांकि सत्यनारायण शर्मा ये जरूर कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी है या राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और ये तस्वीर इस बात से भी साफ होती है कि उनके बेटे पंकज शर्मा ने टिकट के लिए आवेदन किया। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, इससे एक तस्वीर जरूर साफ होती है और एक संदेश भी कि भाई अगर अपने बच्चों के लिए स्पेस आप देना चाहते हैं तो खुद का स्पेस छोड़िए। देखिए, प्रशांत, शिक्षा मंत्री रहे हैं सत्यनारायण शर्मा, 7 बार के विधायक हैं, बहुत ही वरिष्ठ और बुद्धिजीवी विधायक भी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अब हमसे जब अभी कुछ देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लिया है और चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने कही है। और ठीक ये कहा जा सकता है कि उनके जो पुत्र है पंकज शर्मा, उन्होंने विधिवत तरीके से कांग्रेस के जो ब्लॉक कमेटी है उस पर आवेदन किया है और जिस तरह से कांग्रेस ने एक जो नियम बनाया है जो उसी नियम के तहत उन्होंने आवेदन कर दिया है। अब उनका जो आवेदन है जिला कार्यालय में आएगा, जिला कांग्रेस कमेटी में आएगा, फिर प्रदेश कार्यालय में, फिर एक जो 5 पैनल का जो नाम बनाया गया है उस पर शामिल होगा। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला सत्यनारायण शर्मा ने लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो संन्यास कतई नहीं लिए हैं, राजनीति में आजीवन रहेंगे। तो ये सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि अब पंकज शर्मा के लिए एक उम्मीदें हैं वो जग सी गई हैं। पंकज शर्मा भी काफी सक्रियता के साथ क्षेत्र में डटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, आम जनताओं से भी मुलाकात करते हैं और बाकायदा वो पद पर भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सत्यनारायण शर्मा का एक बड़ा फैसला है कि उसने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला जो लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सत्यनारायण शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और उनके बेटे पंकज शर्मा ने टिकट मांगा है कांग्रेस से। युगल रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर का रुख करना, रायपुर से बड़ी खबर है, दूसरे राज्यों से 90 बीजेपी विधायक रायपुर पहुंचे हैं। 90 बीजेपी विधायकों की बैठक जारी है, बीजेपी विधायकों को एक दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरुण साव, पवन साय, संतोष पांडे, नारायण चंदेल बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने के लिए विधायक पहुंचे हैं, इनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से ये विधायक स्पेशली छत्तीसगढ़ आए हैं बीजेपी के। 15 दिनों तक एक एक विधानसभा क्षेत्र में रहकर 90 विधायक नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ में। जमीनी हालात जानेंगे, पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। कुमार दास हमारे बीच मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ आ पाए हैं, पहले तो स्वागत है आपका, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है बीजेपी का? आप सबको पता है कि निकट भविष्य में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम सबको प्रत्येक विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि वहाँ का संगठन, वहाँ का काम कैसा है और इसको समीक्षा करते हुए हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ वैशाली नगर विधानसभा के लिए हम आए हैं और यहाँ आकर हम लोगों का जो काम है वो मुख्य रूप से ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की जानकारी प्राप्त करना, स्थानीय विधानसभा के समस्याओं का आकलन करना और उसके अनुसार क्या किया जा सकता है जिससे 100% हम उस विधानसभा को का चुनाव जीत सकते हैं। काम के अंतर्गत हमें को यहाँ लगाया गया है और संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे उस विधानसभा सीट को जीता जा सकता है, इसमें हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये
अपनी रणनीति पे। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हम लोग जिस विधानसभा में यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आवंटित करेंगे उस विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उस सीट को जिताने का काम करेंगे। देखिए 90 विधायक है यहाँ पहुँच चुके हैं और प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों पर जाएंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये फीडबैक देंगे ताकि विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2023 में उनकी बड़ी जीत बीजेपी की हो सके। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अब बाहरी 90 विधायकों के जरिए अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, इन 90 विधायकों के जरिए कुछ नई बातें संभव है कि बीजेपी को जानकारी मिले, कोई नई रिपोर्ट ये लेकर आए। अब गुंजाइश यही कि 15 दिनों में ये कुछ बीजेपी के लिए सकारात्मक बातें निकाल कर लाएं। युगल, यही आशा बीजेपी की रही होगी? जी देखिए जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी जो विधायक आए हैं यहाँ पर उन्हें एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वरिष्ठ जो नेता हैं, अरुण साव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नारायण चंदेल हैं, संतोष पांडे हैं, सांसद हैं, तमाम लोग हैं, प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है। एक तरह से छत्तीसगढ़ की जो किस तरह से रीति नीति है उसको यहाँ पर पहले उन्हें बताया जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे और अलग अलग समाज के समुदाय के वर्गों के लोगों से मिलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम से लेकर के जो वहाँ उन क्षेत्र के जो प्रमुख नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चाएं करेंगे और ये पूरी फीडबैक है वो केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। और किस तरह से, जैसे हमने जब विधायकों से बात की तो उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जब कोई सरकार में रहता है कोई भी पार्टी तो उसका एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन अब इनका कहना है कि अब चूंकि कांग्रेस सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी का नहीं होगा, कांग्रेस को होगा, उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये सभी अनुभवी विधायक हैं, कई कई बार ये चुनाव जीते हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, अलग अलग राज्य हो, तो सभी राज्यों के विधायक को यहाँ पर लाया गया है और ये एक तरह से चुनाव जिताने में रणनीति बनाने में इन सभी विधायकों की अलग से जो महारत है, ऐसे चुनिंदा विधायकों को यहाँ पर भेजा गया है। 90 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और एक जो रणनीति बनाएंगे, आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो तमाम चीजों का मंथन करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी ताकत है, उद्योग दी है उनकी नई पूरी ताकत विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी लगा रही है। कुछ महीने शेष हैं और आशा अब नए तैनात किए गए विधायकों से। बहुत शुक्रिया युगल आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। दूसरे राज्यों से आए बीजेपी विधायकों के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है। 5 राज्य के एमएलए एक हफ्ते के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, एक सप्ताह रहकर काम करना है। छत्तीसगढ़ के संगठन को जानने का मौका मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को अनुभव का लाभ मिलेगा, विधायकों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बने। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इस दिशा पे लगातार काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक एक सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्हें एक एक विधानसभा में एक सप्ताह रहकर काम करना है। एक तरफ उन विधायकों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से संगठन की रचना है और किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है, ये जानने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कि उनके राज्य में पार्टी के किस तरह के काम होते हैं, संगठन की रचना किस प्रकार की होती है, किस तरह से बैठकें होती है, ये सब जानने समझने का अवसर हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। निश्चित रूप से इस एक सप्ताह के प्रवास में उनके अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं,
उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और निश्चित रूप से इसका एक लाभ हम सबको मिलेगा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी का एक दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी जारी। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का दुबई से कनेक्शन बताया जा रहा है, पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है कई आरोपियों का कनेक्शन। महादेव ऐप का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है, नेटवर्किंग जाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में ये जाल फैला हुआ है और इसी आधार पर अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर भी दबिश दी है ईडी ने। दूर से ये बड़ी खबर है, भिलाई के फरीद नगर में ईडी ने छापेमारी की है। कारोबारी मोहम्मद सद्दाम उर्फ बच्चा खान के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कारोबारी के घर पर सुबह से ईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं और टीम में चार अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल। रायपुर से बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप पर ईडी के छापे पर बोले अरुण साव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, छत्तीसगढ़ को लूटने का क्रम चल रहा है, संरक्षण इसमें दिख रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं हुई है, छत्तीसगढ़ को लूटने का जो लगातार क्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं इन सब में सरकार का संरक्षण स्पष्ट रूप से दिखता है। से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर लड़ेगी गोंगपा। गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान, एमपी में 120 और छत्तीसगढ़ में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। बीएसपी से बात हो रही है, तुलेश्वर सिंह मरकाम, अरविंद नेताम से भी बात हुई है। छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा बनाएंगे, पाली तानाखार विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा भी इन्होंने किया। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक पर हमले मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान है। जब से कांग्रेस सरकार में आई है, प्रदेश शराब से सराबोर। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों को सरकार पर भरोसा है, अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम। जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, खुलेआम अवैध शराब का कारोबार, छत्तीसगढ़ जो है वो शराब से शराबोर है, गली गली में शराब बिक रहा है। और अगर खुज्जी जी के विधायक श्रीमती चन्नी साहू ने, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने अगर विरोध किया तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक पर हमला किया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोला, ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस के कुशासन में जब विधायक असुरक्षित हैं तो आम महिलाओं की सुरक्षा कहां से होगी। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। विधायक के पुत्र पंकज शर्मा ने टिकट के लिए किया आवेदन। रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा। छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी का एक दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का है दुबई से कनेक्शन। महादेव ऐप का कई राज्यों में फैला है नेटवर्किंग जाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में फैले हैं जाल। दुर्ग के फरीद नगर में कारोबारी मोहम्मद सद्दाम के घर पर छापा। सुबह से घर पर मौजूद ईडी के अधिकारी, टीम में चार अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान शामिल। बीजापुर के फरसेगढ़ में 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया अगवा। रविवार शाम चिकट राज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए गए थे ग्रामीण। पूर्व सरपंच को छोड़कर बाकी लोगों को छोड़ा। छत्तीसगढ़ में आज से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के 45,000 अधिकारी और कर्मचारी होंगे शामिल। चरमरा सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं। महिलाओं को सुरक्षा देने में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह फेल। विधायक पर चाकू से हमले को लेकर बीजेपी एमएलए रंजना साहू का हमला। पूरे प्रदेश में भय और दहशत का माहौल।
पेंड्रा में हाथियों का उत्पात जारी, ग्रामीणों के घरों को बनाया निशाना, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। अंबिकापुर जिले में डेंगू की दस्तक, तीन लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मरीजों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। तो रायपुर में बीजेपी की आज बड़ी बैठक, रायपुर पहुंचे कई राज्यों के बीजेपी विधायक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। रायपुर पहुंचे कई राज्यों के बीजेपी विधायक, 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे बीजेपी एमएलए, हर विधानसभा क्षेत्र में चार चार दिन रुकेंगे बीजेपी विधायक। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।